महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 7.35% पहुंच गई है। नवंबर में 5.54% रही थी। सांख्यिकी कार्यालय ने सोमवार को आंकड़े जारी किए हैं। सब्जियों खासकर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर ज्यादा प्रभावित हुई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 14.1% रही। नवंबर में 10.1% थी। चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी से महंगाई दर तय होती है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर वह दर है जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। खुदरा महंगाई दर को बताने वाला सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। यह इंडेक्स उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के लिए किए जाने वाले औसत भुगतान पर आधारित होता है। 157 देश खुदरा महंगाई दर के आधार पर ही नीतियां तय करते हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर में खाद्य और पेय पदार्थ से जुड़ी चीजों और एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अप्रेल, हाउसिंग और मेडिकल केयर जैसी सेवाओं की कीमतों में आ रहे बदलावों को शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की 448 और शहरी क्षेत्रों में 460 चीजों और सेवाओं की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। दूसरी तरह महंगाई दर को थोक महंगाई दर कहते हैं। इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। इस इंडेक्स में 697 वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर बदलाव होता है। इकोनॉमी के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े कितने अहम हैं आपको बताते हैं। इसकी वजह खान पान से जुड़ी चीजें कितनी किफायती हैं। यह दर बताती है कि आम आदमी के खान पान से जुड़ी चीजें महंगी हो रही हैं या सस्ती, क्योंकि खुदरा महंगाई दर में खाने पीने की चीजों की हिस्सेदारी 50% के आसपास है, जैसे सब्जियां, फल, धान, मांस, मछली। केंद्र सरकार खुदरा महंगाई दर बताने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते की सालाना दर तय करती है। डीए में बढ़ोतरी का फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरों को मिलता है। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरें तय करते वक्त खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। आरबीआई का लक्ष्य रहता है कि खुदरा महंगाई दर 4-6% के दायरे में रहे। यह जुलाई 2016 के बाद पहली बार 6% से यानी आरबीआई के अधिकतम लक्ष्य से ऊपर पहुंची है। बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स आरके गौतम का कहना है कि खुदरा महंगाई 6% से ऊपर जाने की वजह से आरबीआई द्वारा प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश काफी कम रहेगी। आरबीआई 6 फरवरी को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद ब्याज दरों का ऐलान करेगा। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल रेपो रेट में 1.35% कमी की थी।